दोस्तों, आपकी सिर्फ एक गलती की वजह से आपका YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन हो सकता है रिजेक्ट। आपके चैनल पर अगर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है और आप सिर्फ अप्लाई ही करने वाले हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। क्योंकि भाई, आप जो गलती करते हैं आपको पता ही नहीं चलता कि भाई गलती कौन सी है। फिर बाद में जब YouTube मोनेटाइजेशन को रिजेक्ट कर देता है और रीज़न बताता है, तब आपको पता चलता है कि भाई हाँ, ये गलती मैंने की थी। तो आज का ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे कंप्लीट हो गए और आप अप्लाई करने वाले हैं मोनेटाइजेशन के लिए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा। क्योंकि मुझे एक इंस्टाग्राम पर एक भाई ने मुझे DM किया, मैसेज किया कि भाई मेरा जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया है। अब ये रीज़न क्या था भाई को भी पता नहीं था, क्योंकि भाई को उतना वहाँ पर नॉलेज नहीं थी। तो भाई ने मुझसे कॉन्टैक्ट किया और भाई ने मुझे बात की, तो मैंने उनको सारा कुछ एक्सप्लेन किया। तो क्या रीज़न था मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होने का, तो सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ से मैं अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। तो ओके, तो यहाँ पर कहाँ है भाई? ओके, तो ये भाई का मैसेज, यहाँ पर इन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। तो यहाँ से बहुत कुछ हमने चैटिंग की है, यहाँ पर मैंने आप भाई को बहुत कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, चैनल मोनेटाइजेशन, तो यहाँ पर YouTube साफ साफ कह रहा है कि भाई आपका चैनल का मोनेटाइजेशन हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर YouTube की जो मोनेटाइजेशन जो पॉलिसी है, आप उसके अगेंस्ट जाकर आप काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर रीज़न भी बताया, यहाँ पर देखिए रीज़न है रेसी थंबनेल, मतलब कि सेक्सुअली प्रोटेक्टिव थंबनेल डिजाइनड टू इंक्रीज व्यूज़। ये एक रीज़न है, मतलब कि भाई व्यूज़ इंक्रीज करने के लिए थंबनेल को ऐसा डिज़ाइन किया जा रहा है कि भाई व्यूज़ सिर्फ व्यूज़ के लिए। तो ऐसे अगर आप करते हैं तो आपका YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी आपको कैसा पता चलेगा कि भाई आप अपने थंबनेल में क्या कर रहे हैं जिससे कि भाई YouTube का जो मोनेटाइजेशन की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट जा रही है वीडियो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो, भाई का जो चैनल पे 4000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए और 8000 से भी ज़्यादा वॉच टाइम है और सारा का 2-स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट है, 0 कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, फिर भी भाई का जो चैनल है वो मोनेटाइजेशन रिजेक्ट है। तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर रीज़न है सक्सेसफुली प्रोडक्टिव थंबनेल डिजाइनड टू इंक्रीज व्यूज़। यूट्यूब साफ साफ कह रहा है कि भाई आप इंक्रीज व्यूज़ को इंक्रीज करने के लिए थंबनेल कुछ ऐसा डिज़ाइन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके वीडियो पर व्यूज़ आ सके। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम कंप्लीट हो गए और आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले, तो सबसे पहले आप अपने वीडियो, जितने भी वीडियो, सारे वीडियो के थंबनेल को आप एक बार ज़रूर चेक करिए, कहीं आपने कुछ मिसलीड तो नहीं किया। देखिए, मिसलीड और क्लिकी में बहुत बड़ा डिफरेंट है। क्लिकबेट आप कर सकते हैं, यूट्यूब खुद कहता है कि भी आप क्लिकबेट करो, बट मिसलीडिंग नहीं। मिसलीडिंग का मतलब क्या है, आप थंबनेल में कुछ और लिख रहे हैं और वीडियो में कुछ और बता रहे हैं, तो ये मिसलीड होता है। अगर आप क्लिक ही कर सकते हैं भाई, आप क्लिकबेट बना सकते हैं थंबनेल व्यूज़ के लिए, वो अलग बात है, वो अलाउ है, बट आप मिसलीड नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा वीडियो बनाया कि भाई आप YouTube से पैसे कैसे कमाए, आपने ये टाइटल और थंबनेल में कुछ ऐसा लिखा, बट आप वीडियो में कुछ और ही बता रहे हैं भाई क्रिकेट कैसा खेले भी कुछ और ही, जैसा कि आपको समझ में आ रहा है। मिसलीड आपको नहीं करना है, मिसलीड से भाई आपका YouTube चैनल का मोनेटाइजेशन रिजेक्ट होता है। और यहाँ पर आप जो मेटा डाटा है वहाँ पर भी आपका जो मोनेटाइजेशन है वो रिजेक्ट किया जा सकता है। आप पहले चेक करिए, बिफोर आपको चेक करना है जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाले, उससे पहले आपका जो चैनल है उसको एक बार रिव्यू कीजिए कि भाई आपने कहाँ कहाँ गलती की है। डिस्क्रिप्शन चेक करिए, थंबनेल चेक करिए, और जो आपने जो डिस्क्रिप्शन में जो मेटा डाटा होता है वहाँ पर अगर आपने थंबनेल कैसे बनाए, अगर इसके ऊपर आपने वीडियो बनाई और जो कीवर्ड्स है वो किसी और ही कीवर्ड्स है, किसी और कीवर्ड्स के जो टाइटल्स होते हैं वो अगर कीवर्ड्स अगर आपने एक्स्ट्रा ऐड किए, तो वहाँ पर आपको रिमूव करना, मतलब थोड़ा सा निकाल दीजिए। साफ सुथरा आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, टाइटल जो थंबनेल है उसको, थंबनेल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थंबनेल आपको पहले चेक करना है कहीं आपने मिसलीड तो नहीं किया। मिसलीड नहीं है तो बाद में आप अप्लाई कर देना मोनेटाइजेशन के लिए, तो वहाँ से आपका जो मोनेटाइजेशन है वो अप्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की गलती होती है, बट हमें पता नहीं चलता कि भाई हमने गलती की थी। तो यहाँ पर मैंने भाई को यहाँ पर सारा कुछ बताया कि भाई आपको क्या करना चाहिए। तो मैंने भाई को बताया कि भाई आप अपने चैनल के सारे वीडियोज़ के थंबनेल को चेंज कर दो। तो भाई ने सारे वीडियोज़ के थंबनेल को चेंज कर दिया है। उसके बाद अभी यहाँ भाई को टाइम है, अभी 20 डेज कुछ है, उसके बाद यह री अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर मोनेटाइजेशन वहाँ पर एनेबल हो जाएगा। तो ये कुछ आपको गलती होती है बट हमें पता ही नहीं चलता, तो आप जाकर अपने वीडियोस के थंबनेल को जरूर एक बार देखना। तो उम्मीद है आपके छोटे से वीडियो में आपको कुछ समझाने की कोशिश किया। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कुछ इस तरह के अगले वीडियो में। बाय बाय।